नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मोइनुल हक स्टेडियम की दुर्दशा उजागर होने के बाद एक्शन में तेजस्वी, लालू परिवार के लिए गहना है ईडी सीबीआई की चार्जशीट, सम्राट का बड़ा बयान। भगवान राम को हाईजैक करना चाहती है बीजेपी, मंत्री श्रवण कुमार का हमला। अपने जाल में खुद फंसेंगे बीजेपी आरएसएस वाले, तेज प्रताप की भविष्यवाणी। बिहार में शराब जब्ती पर बोले मद निषेध मंत्री, फोर्स रखना मुश्किल। सबरी के जूठे बेर खाने वाले राम का हूं भक्त, बोले शिक्षा मंत्री। पटना पहुंची स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर हमला। नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवर कल से फिर हड़ताल पर। गया में भीम आर्मी का उग्र प्रदर्शन, पुलिस ने जमकर चटकाई लाठियां। बिहार में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, कई जिलों में अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। राजधानी पटना के मोइनुल हक स्टेडियम की बदहाली से जुड़ी खबरें लगातार चलने के बाद बिहार सरकार हरकत में आई है। हाल ही में बिहार और मुंबई के रणजी मैच के दौरान इस स्टेडियम को लेकर खूब जगहसाई हुई थी, जिसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक्शन में आए। उप मुख्यमंत्री ने आज पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग के बाद उन्होंने स्टेडियम के पुनर्विकास और पुनर्निर्माण को लेकर बड़ी घोषणा कर दी। अधिकारियों की समीक्षा बैठक के बाद तेजस्वी ने कहा कि मोइनुल हक स्टेडियम को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। इसके लिए 2 हफ्तों में डीपीआर कार्य कर आगे की कार्रवाई का निर्देश भी दिया गया है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में ईडी ने राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव समेत कई लोगों पर चार्जशीट दाखिल किया है। इसको लेकर बीजेपी लालू परिवार पर हमलावर है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर लालू परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार के लिए ईडी सीबीआई की चार्जशीट गहना है, इसके लिए यह बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि 1996 से सीबीआई और ईडी का कार्रवाई लालू परिवार पर चल रहा है। जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे तो वह चारा खा गए और रेल मंत्री थे तो गरीबों का नौकरी खा गए। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग भगवान राम को हाईजैक करना चाहते हैं, भगवान राम के नाम पर लोकसभा सीट जीतना चाहते हैं और चुनाव के बाद ये लोग घर बैठ जाएंगे। इन्हें ना भगवान राम से मतलब है और ना ही देश की जनता से। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड मुख्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने ये बातें कही है। लोकसभा चुनाव होने से अब कुछ ही समय रह गए हैं। ऐसे में देश में राजनीति गरमाई हुई है। पक्ष विपक्ष के द्वारा बयानबाजियों का दौर जारी है। वहीं ईडी ने राबड़ी देवी, मीसा भारती सहित 4 लोगों पर लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीट दायर की, जिसको लेकर बीजेपी लालू परिवार पर हमलावर है। वहीं अब बीजेपी पर तेज प्रताप यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इस बार इनका सुपड़ा साफ होना तय है। जिस तरह का हथकंडा और जाल बीजेपी और आरएसएस के लोग बिछा रहे हैं, उसी जाल में वो खुद फंस जाएंगे। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन छापेमारी में लगातार बड़े पैमाने पर शराब जब्ती हो रही है। इस पर मद निषेध एवं उत्पाद मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि बिहार का बॉर्डर चारों ओर से खुला हुआ है, हर जगह पुलिस की तैनाती मुमकिन नहीं है। इसके बावजूद हम लोगों ने दूसरे राज्यों में भी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की है। हरियाणा में गिरफ्तारियां हुई है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में भी गिरफ्तारियां की गई। दूसरे राज्यों में 6000 से अधिक शराब माफिया की गिरफ्तारी हुई है और लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर अक्सर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। बीते दिन उन्होंने मंदिर को गुलामी का रास्ता बताया था, अब शिक्षा मंत्री ने अपने बयानों को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वह शबरी के जूठे बेर खाने वाले प्रभु श्री राम के भक्त हैं, उनके बयानों को तोड़ मोड़ कर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को छूत अछूत में बांटने वाले षड्यंत्रकारी, मनोवादी, नफरतवादी, संप्रदायवादी के विरुद्ध हमारी लड़ाई है। उन्होंने कहा कि लड़ाई वह अपनी जीवन भर लड़ेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बुधवार को पटना पहुंची और भाजपा के मीडिया कार्यशाला कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रवक्ताओं और मीडिया प्रभारियों को कई टिप्स दिए। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सभी को टिप्स दिया। इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया और कहा कि 70 साल तक परिवारवाद की पार्टी सिर्फ अपनी झोली भरती रही है। हिट एंड रन कानून के विरोध में ड्राइवर संगठनों द्वारा फिर से हड़ताल पर जाने की बात कही जा रही है। ड्राइवर संघ की ओर से एक लेटर भी जारी किया गया है। निवेदक पूर्वक कहना है कि आप सभी ड्राइवर भली भांति जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा ड्राइवर पर हिट एंड रन काला कानून लाया गया है। ये कानून ड्राइवर हित में किसी प्रकार न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। इसका विरोध प्रदर्शन हम सभी ने मिलकर किया था और कुछ अफवाह के कारण फिर वापस लौट गए, लेकिन सरकार द्वारा इस कानून पर कोई विचार नहीं किया गया और इसके लिए यह भी कहा जा रहा है कि स्टेडियम छोड़कर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसमें सरकार, गाड़ी मालिक, आम व्यक्तियों को किसी प्रकार का क्षति नहीं पहुँचाना है। बिहार के गया में भीम आर्मी के उग्र प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। 2 राउंड आंसू गैस के गोले छोड़े गए। गया शहर के बीचों बीच पुलिस के द्वारा छोड़े गए आंसू गैस के गोले से अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। लोग इधर उधर भागने लगे, किंतु भीम आर्मी के कार्यकर्ता इससे भी विचलित नहीं हुए और उग्र प्रदर्शन नारेबाजी करते हुए SSP कार्यालय की ओर चले गए। मौसम विभाग ने बिहार में आने वाले दिनों में ठंड में इजाफा होने का अनुमान लगाया है। लोगों को ठंड से फिलहाल राहत मिलने वाली है और जानकारी मिल रही है कि सुबह से ही राज्य के दक्षिण, उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भागों में घना कोहरा, जबकि शेष भाग में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर पर कुहासा छाया है। आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना का अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।